जी आलम शेर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, कल का जो वाकया वज़ीरिस्तान में पेश आया जिसमें लैंड माइंस के शिकार होने वाले कुछ बच्चे, जिनमें से कुछ शहीद हो गए हैं और कुछ अभी भी जख्मी हैं, उसके हवाले से वज़ीरिस्तान में एक बहुत ही सख्त किस्म का लोगों में इंतशार पाया जाता है और लोग बहुत ज़्यादा इसके हुकूमत के खिलाफ तैश में आए हुए हैं। आप चूँकि सेनेटर हैं और इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी इस सिलसिले में कोई बात हुई है उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर इन चीज़ों के, जो कि लैंड माइंस की सफाई के हवाले से, या जो लोकल वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आपकी कोई बातचीत हुई है जी इस सिलसिले में? बात यह है कि जैसे ही मैंने होश लिया, मैंने और भी नोटिस जमा किए थे जिसमें बाज आ गए हैं कुछ क्वेश्चन थे। ये सिर्फ फहरिस्त था डेढ़ महीना पहले लैंड माइंस के हवाले से। इसको कहते हैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस, जो पब्लिक इंपोर्टेंस के नोटिसेज होते हैं उसको कॉलिंग अटेंशन नोटिस कहा जाता है। बिल्कुल। तो मैं कल भी, यानी ये वाक्य से पहले कल भी मैं चेयरमैन से मिलने की कोशिश कर रहा था। उस दिन भी मैंने चेयरमैन को कहा था कि सर टाइम विल कम, कि आई विल कम टू योर चेयर एंड थ्रो दी थिंग्स ऑन योर फेस, था और मैं बाहर निकल जाऊंगा, बाइकआउट कर लूंगा या ये कर लूंगा। लेकिन नहीं, अभी चेयरमैन मुझे मिला था, मुझे बुलाया। मैंने कहा कि सर कल अगर आपने मुझे टाइम नहीं दिया तो जो आपकी बेइज्जती होगी वो तो होगी, मेरे पूल जैसे बच्चे शहीद होते जा रहे हैं और इसके लिए मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर कहते हैं कि उसने कहा इस तरह करेगा, मैंने कहा नहीं, फर्स्ट मेरा होगा। उसने कहा इस तरह करें कि रूल में क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म हो जाए आप खड़े हो जाए। हालांकि वो फॉर्मली वो एजेंडे पे नहीं रहा, मेरे इंशाल्लाह ताला आप सुनेंगे, आपको मैं इसका अगर वीडियो मिले तो मैं इसके वीडियो भी भेजूंगा। मेरे बड़े क्लियर कट डिमांड थे उनका हुकूमत से, पाकिस्तान से, और मैं इमरान खान से, मैंने उस दिन इमरान खान के घर पर कहना था, उससे मैंने टाइम मांगा क्योंकि मैंने कहा कि बाकी दो आम गपशप लगी रही, मैंने कहा मैं आपका आपकी कप खराब नहीं करना चाहता। ये लाइन ये भी मेरे दिमाग में था और भी डेवलपमेंट पैकेज भी था। ये तो ये जो आपने पैकेज की बात की है, पैकेज बहुत कम चीज़ है जो चोरों को जो तेल चोरी करते हुए मुल्तान में जो ऑयल टैंकर कल्टी हुआ था या उलट हुआ था, उससे तेल निकाल रहे थे लोग, या अचानक पेट्रोल आग लग गई और उसमें 240 लोग अलाक हुए, उनको 40-40 लाख रुपए हुकूमत ने पैकेज दिया। पर अगर आपको याद हो, एक डेढ़ साल पहले एक केमिकल का जहाज आया हुआ था, उसे केमिकल लीक हुई थी, उससे कोई 20-25 अमवातें हुई थी, उसको 25-25 लाख रुपए दिए है। फिर अगर आपको याद हो, अभी ये रिसेंट 3-4 महीने सर्दियों में एले तशीफ है वो हुआ था, दहशत गर्द हमला हुआ था, उन्होंने लाश रखी हुई थी, उसने कहा कि जब तक हम उस वक्त तक नहीं दफनाएंगे जब तक इमरान खान खुद ना जाए। खैर इमरान खान ने कहा कि पहले आप दफनाएं फिर मैं आता हूँ। उसके बाद जब दफनाया तो फिर आ गया इमरान खान, उसको 15-15 लाख रुपए भी दिया और साथ में एक एक नौकरी भी दी। तो हमारा इससे भी सीरियस केस है। लेकिन यह है कि आप सोचिए कि हम दुनिया के उस कॉर्नर में हैं, हम दूसरों के जंग में जना तबाह बर्बाद हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे अगर हमने एज ए कौम जरा एक कड़े नहीं हुए। तो इंशाल्लाह ताला कल आप, मैं आपको इसका वीडियो भी भेजूंगा। मेरा खुद भी बड़ा दिल दुखी है, बहुत मासूम से बच्चे हैं, उनकी मैंने जो तस्वीरें देखी है मेरा दिल रोता है। तो अभी मैं खाने से उठ के आया, जब आपका मैंने फोन देखा तो अभी खाने में बैठा हुआ था, लेकिन दिल मेरा वज़ीरिस्तान, एक दो इंटरव्यू मैंने और भी दिए हैं रेडियो और फील्ड वालों को। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको इसका व्हाट्सएप पे वीडियो भेजूंगा। मुझे दीजिए सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ दी हमने खाने से उठाया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।